दोस्तों, आज हम बनाएंगे कन्या पूजन की थाली। सबसे पहले हम बनाएंगे काले चने। तो उसके लिए मैंने इनको 6 से 8 घंटे भिगो लिया था और कुकर में इनको ऐड किया। कुकर में पानी, हम चने से 4 गुना ज़्यादा पानी ऐड करेंगे। मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, थोड़ा सा घी ऐड किया और 3 विसल आने तक हम इसे पकाएंगे। और उसके बाद हम इसे लो फ्लेम करके 5 मिनट और पकाएंगे। आप देखिए कितने अच्छे से चने पक गए हैं। और इनका जो बचा हुआ पानी है वो भी हम चने में ही यूज़ करेंगे, इसलिए आप नमक थोड़ा कम ही डालें। मसाले मैंने लिया है हल्दी, गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, हींग, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर। मैंने तेल गरम किया, उसमें थोड़ा सा मैंने जीरा ऐड किया। मैंने फ्लेम यहाँ पे बिल्कुल बंद कर दी ताकि मसाले जब मैं डालूँ तो मसाले जले ना। मैं सारे मसाले एक साथ ऐड करूंगी। मैं इनको अच्छे से चलाऊंगी ताकि ये चिपके ना। जो चने का लेफ्ट ओवर पानी था मैं वो ही यूज करूंगी इसमें मसाले पकाने में। देखिए मसाले अच्छे से पक गया है, अब मैं इसमें चने ऐड कर दूंगी। और जो बचा हुआ पानी था पूरा, वो मैंने पूरा ऐड कर दिया इसमें और इसको मैंने तेज फ्लेम पे पका लिया। देखिए चने, देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार हो गए हैं। मैंने पैन गरम किया और मैंने घी डाला इसमें। अब मैं सूजी बनाऊंगी, उसके लिए मैंने 150 ग्राम सूजी ऐड करी इसमें। मैं इसको अच्छे से चलाते हुए बनाऊंगी ताकि ये जले ना। आपको इसे अच्छे से भुनना है, अच्छी सी खुशबू आने तक, अच्छा सा कलर आने तक। देखिए इसके बाद मैं इसमें 800 ml के अराउंड पानी यूज़ करूँगी और बार बार मैं इसे चलाती रहूँगी। इसी स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट और ड्राई फ्रूट्स। आप ड्राई फ्रूट्स अपनी मनपसंद से यूज़ कर सकते हैं और जो इसमें से ना पसंद हो वो आप स्किप कर सकते हैं। आप इसको बार बार चलाते रहें। मैं इसमें डालूंगी चीनी। मैंने यहाँ पे 150 ग्राम सूजी यूज़ करी है तो मैंने 150 ग्राम ही मैं चीनी यूज़ करूँगी। सेम अमाउंट होना चाहिए दोनों का। अब मैं इसमें घी ऐड करूंगी। बस इसके बाद इसमें इसको मैं 2 मिनट पकाऊंगी और आपकी सूजी बन के तैयार है। देखिए मैंने तेल गरम किया एक पैन में। मैं इसमें डालूंगी जीरा, हींग, यहाँ मैं बनाऊंगी आलू की सब्जी। इसमें ऐड करूंगी मैं एक मीडियम साइज का टमाटर, फिर उसके बाद हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया ताकि मसाले जले ना। इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी और मैं इसको फिर ढक के पकाऊंगी अराउंड 3 मिनट। मैं इसे चेक करूंगी और टमाटर को मैं अच्छे से मैश कर दूंगी यहाँ पे। और मैंने पहले ही 2 आलू उबाल लिए थे तो इस स्टेज पर मैं उनको अच्छे से कट करके फिर मैं इसमें ऐड करूंगी। आप इसको अच्छे से मैश करें। थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूंगी। मैं इसको अच्छे से मैश करूंगी। थोड़ी देर ढक के पकाऊंगी मैं उसे। आप देखिए सब्जी बन गई है। अब मैं पूड़ी के लिए आटा लगाऊंगी, तो उसके लिए मैंने लिया है गेहूं का आटा। इसमें मैंने नमक ऐड किया, अजवाइन ली तो उसको मैंने हाथ से क्रश करके डाला और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें घी ऐड किया। इसके बाद मैं आटे का डो लगाऊंगी। तो देखिए डो आपको ऐसा लगाना है, बिल्कुल एकदम सख्त आटा लगाना है आपको। और
और यहाँ पे मैं चेक करूँगी तेल गर्म हुआ या नहीं, तो मैंने उसके लिए आटे की छोटी सी गोली बना के मैंने इसमें ऐड करी, तो एकदम डालते ही वो एकदम से ऊपर आ गई। तो मतलब तेल एकदम परफेक्ट गर्म हो चुका है पूड़ी के लिए। इस स्टेज पर मैं इसमें पूड़ी ऐड करूँगी। और तेल में इसे थोड़ा सा चलाते रहें पूड़ी को, थोड़ा सा प्रेस करके, फिर आप बनाएं, उससे क्या है पूड़ी आपकी फूल जाएगी। ये देखिए कितनी अच्छी पूड़ी बन के तैयार हुई है। ऐसे ही मैं दूसरी पूड़ी मैंने ऐड करी और मैं इनको अच्छे से दबा के फिर बनाऊंगी, जिससे कि अच्छे से फूल जाएगी। और आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।